वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक व्लॉगिंग चैनल पर लेकर जाना चाहूँगा जो कि मेरे दोस्त फैसल खान इलाही का है। बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल का ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इनके चैनल को सपोर्ट करें। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके सामने इस वक्त होंडा सिविक 2005 मॉडल है, ईगल आइज़ में ये गाड़ी इस वक्त ब्लू कलर में आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू दिया जाएगा। आपको इस गाड़ी का मैं एक्सटीरियर दिखाऊंगा और इंटीरियर दिखाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको गाड़ी की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके और तमाम तर चीज़ों के बारे में सही तरीके से समझ आ सके। क्योंकि ये गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं मोस्टली सिटी में ड्रिवन होती हैं, तो हल्की फुल्की इनकी बॉडी पर माइनर से टचअप्स होते हैं। तो एक्सटीरियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी का देख लें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक देख लें और पेंट कंडीशन भी आप इसकी देख लें, और फिर आपको इसका बैक साइड से भी मैं व्यू दे देता हूँ। यह 2005 मॉडल है होंडा सिविक ईगल आइज़ का 2005 मॉडल है, और बैक से आप इस गाड़ी की लुक देख लें। तो चलिए आपको इसके इंटीरियर का एक क्विक वॉक राउंड देते हैं और फिर डिटेल में बात की जाएगी। इंटीरियर की कंडीशन वगैरह भी आप देख लें ताकि आपको इसकी कंडीशन का भी आइडिया हो जाए। ₹2005 मॉडल है और इंटीरियर काफ़ी साफ सुथरा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। ओके जी, फ्रंट पर आपको हैलोजन लैंप्स मिलते हैं, इसकी हाई बीम और इसकी लो बीम दोनों हैलोजन लैंप्स में मिलती हैं। और यहाँ पर आपको इसकी पार्किंग लाइट्स भी हैलोजन लैंप्स में मिल जाएंगी, और टर्न सिग्नल, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल आपको मिल जाएगा जो कि हैलोजन लैंप में आता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बॉडी कलर में फ्रंट बम्पर मिलेगा, फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं और हैलोजन लैंप्स में आपको इसके फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बॉडी कलर में इसकी फ्रंट ग्रिल है जो कि प्लास्टिक में डिज़ाइन की जाती है। आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा क्रोम में, और इसके ट्रंक के ऊपर आपको ट्रिमिंग मिलेगी क्रोम की। दूसरी साइड से आप इसकी लाइट्स वगैरह देख लें और बम्पर की कंडीशन भी देख लें। फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। फेंडर के ऊपर आपको हैलोजन लैंप में इसका टर्न सिग्नल मिलेगा। बॉडी कलर में इसके साइड व्यू मिरर्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं, और डोर हैंडल्स वगैरह आपको इसमें बॉडी कलर में मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट डोर हैंडल के ऊपर आपको की होल की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आपको रेन वॉइजर्स इसकी विंडोज़ के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। सनरूफ की ऑप्शन है। इसके अलावा इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये आपको डीफॉगर की ऑप्शन के साथ मिलेगी, और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको इसकी विंडस्क्रीन के अंदर इंस्टॉल्ड मिलेगा। बैक पर तमाम लाइट्स हैलोजन लैंप्स में हैं। टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप और ब्रेक लैंप आपको हैलोजन लैंप में मिलेगा। यहाँ पर आपको सिविक लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि क्रोम में है। रियर बम्पर बॉडी कलर में आता है और रिफ्लेक्टर्स की ऑप्शन नहीं दी गई। उसके अलावा दूसरी साइड पर आपको VTi Oriel मिल जाएगा। ये गाड़ी प्रोजमेटिक नहीं है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, और इसके रियर ट्रंक के ऊपर आपको ट्रिमिंग मिलेगी क्रोम की। रियर व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड है, और बैक पर होंडा का लोगो मिल जाएगा। इस तरफ इसका फ्यूलेट ओपनर है। इसके डोर्स के ऊपर आपको ट्रिमिंग मिल जाती है। और टायर साइज़ की बात करूं तो पहले आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं, और इसके फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, जबकि बैक साइड पर आपको इसमें सॉलिड डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिलेगी। और व्हील्स की कंडीशन भी ठीक ही है, व्हील्स की कंडीशन भी, और 195/35 इसका टायर साइज़ है, और 15 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। अच्छी हालत में हैं व्हील्स इसके काफ़ी। तो चलिए आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। ओके जी, यहाँ पर इसका जो ड्राइवर डोर है इस पर आपको प्लास्टिक का और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर
ये आफ्टर मार्केट इसमें स्टिकर्स वगैरह लगाए गए हैं, ओरिजिनली इस तरह के नहीं आते। लैच आपको इसमें प्लास्टिक का सिंपल मिल जाता है जो कि इस कलर के साथ मैच किया जाता है। और यहाँ पर आपको विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स मिलेंगे। इसकी ड्राइवर विंडो ऑटो ऑप्शन के साथ है और विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन मिलेगा। नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाएगा और स्टोरेज कंपार्टमेंट इसके डोर के ऊपर मिल जाएगा। इसमें वन वे एडजस्टेबल फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। आपको इस गाड़ी में SRS एयरबैग की ऑप्शन नहीं मिलती क्योंकि ये 2005 का मॉडल है, तो उस टाइम इस गाड़ी में SRS एयरबैग नहीं दिया जाता था। खैर होंडा में तो 2019 की जो सिटी है उसमें भी SRS एयरबैग नहीं है, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको होंडा का लोगो मिलेगा। वन वे एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील है और इसका स्टीयरिंग व्हील रैक एंड पिनियन होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मज़ीद बात करें तो इस गाड़ी में लेदर रैप कराया गया है बीच कलर में स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जो कि आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनली नहीं आता। मज़ीद यहाँ पर आपको इसमें ये जो इसकी तमाम डिज़ाइनिंग कराई गई है ये वुडन स्टाइल में, ये आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनली इसका सेम कलर में आता है। ये स्टीयरिंग व्हील के साथ मैचिंग होता है, इस टाइप की ये कंपनी फिटेड नहीं आती। इसमें यहाँ पर आपको दो एयर वेंट्स मिल जाएंगे, हेजलाइट कंट्रोल बटन मिल जाएगा, मैन्युअली कंट्रोल्ड एसी और हीटर के कंट्रोल्स हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है। इसमें जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया गया है। एसी के लिए बटन है, यहाँ पर डिफॉगर को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन्स हैं। यहाँ नीचे आपको एशरे की ऑप्शन मिलेगी, एक सिगरेट लाइटर या आप इसमें पावर आउटलेट जो भी कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इस तरफ आपको एक एयरवेंट मिलेगा पैसेंजर के लिए और नीचे आपको ग्लव बॉक्स की ऑप्शन मिलेगी। और यहाँ पर आप इसके जो पैसेंजर डोर है इसकी भी कंडीशन वगैरह देख लें। ओके, नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसमें कप होल्डर्स की ऑप्शन मिल जाएगी और 5-speed फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके अलावा मैनुअली कंट्रोल्ड यहाँ पर आपको इसमें पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। एक आपको यहाँ पर आर्म रेस्ट मिलेगी, यहाँ पर आपको इसमें सनशेड्स की ऑप्शन मिलेगी और ड्राइवर सनशेड के ऊपर मिरर नहीं आता है, जबकि पैसेंजर सनशेड के ऊपर आपको मिरर की ऑप्शन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सनरूफ मिलेगा, यहाँ पर इसके सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, अपनी मर्जी से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। रियर व्यू मिरर आपको मिल जाएगा। इसकी सीट्स जो हैं ओरिजिनली बीज कलर में, इसकी ओरिजिनली फैब्रिक की सीट्स आती हैं। और यहाँ पर आपको फ्रंट पर दोनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलेगा। अभी इसमें आफ्टर मार्केट लेदर के कवर्स लगाए गए हैं सीट्स के ऊपर और फ्रंट पर दोनों सीट्स मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। और आप इसकी बैक सीट्स भी देख लें, बैक पर आपको दो पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलेगी और बैक पर भी लेदर कवर्स लगाए गए हैं इसकी बैक सीट्स पर भी। इसके बैक डोर की कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जी इसका बैक डोर, बैक पर आपको फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बट स्पीकर की ऑप्शन नहीं मिलती बैक डोर के ऊपर। तो चलिए आपको इसका ट्रंक ओपन करके दिखा देते हैं, इसकी बूट स्टोरेज वगैरह, और फिर आपको इसकी हेडलाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाई जाएंगी। यहाँ पर स्पेयर टायर की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपको इसकी हेडलाइट्स भी ऑन करके दिखा देते हैं, बल्कि पहले आप इसका इंजन देख लें। 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और आईवी टेक टेक्नोलॉजी इंजन में यूज़ की गई है। इंजन के कंपोनेंट्स आप देख लें यहाँ पर। बाकी इंजन के हवाले से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बाकी इसकी कंडीशन वगैरह यहाँ पर आप देख लें, इसके सील्स वगैरह भी देख लें आप। ओके गाइस, तो ये था गाड़ी का वॉक अराउंड और डिटेल्ड रिव्यू। आपको मैंने गाड़ी का एक्सटीरियर भी दिखा दिया और इंटीरियर भी दिखा दिया। अभी बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है और यहाँ पर इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस जो है 970,000 रुपये है, 970,000 रुपीज़ इस गाड़ी की आस्किंग है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं
तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के हवाले से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ख़ुद विज़िट करके बाई सेल्फ इस गाड़ी को देख सकते हैं, तब आपको इसकी कंडीशन का भी सही तरीके से आइडिया हो जाएगा। वीडियो में तो हम बस एक शॉर्ट सा आपको रिव्यू दे देते हैं ताकि आपको गाड़ी का आइडिया हो जाए। तो ये था आज का होंडा सिविक 2005 मॉडल ईगल आइज़ का डिटेल्ड रिव्यू। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है और सनरूफ वाली गाड़ी है और प्रोजमेटिक नहीं है, ओरियल है ये होंडा सिविक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।